अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहार 2020 की बीएस, मास्टर, बीएड, एमएड और दीगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल डिप्लोमों की असाइनमेंट एलएमएस के थ्रू अपडेट होनी है, एलएमएस के थ्रू ट्यूटर्स को जानी है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के एलएमएस पे कोई एक कोड नहीं है या एक से ज़्यादा कोड नहीं है या कोई भी कोड नहीं है। तो आपने क्या करना है, कब तक इंतज़ार करना है, क्या अपडेट है यूनिवर्सिटी की जानब से, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि जिन स्टूडेंट्स के कोर्स कोड एलएमएस पे शो नहीं हो रहे या लिंक नहीं आ रहा, वो परेशान ना हो, जल्द ही उनके कोर्स कोड एलएमएस पे अपडेट कर दिए जाएंगे। 2 से 4 दिन लग सकते हैं आपके कोर्स कोड जो है वो एलएमएस पे अपडेट हो जाएंगे, ताकि आप अपनी असाइनमेंट को टाइम से जमा करवा सकें। काफ़ी ज़्यादा लेट वैसे हो रहा था, लेकिन अब आप परेशान ना हो, यूनिवर्सिटी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो इसका मतलब ये है कि उनके इलम में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर लें। बाकी उन्होंने 2 से 4 दिन का कहा है, मुझे लगता है कि 1 हफ़्ता लग सकता है, या आपकी जो पहली असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 21 सितम्बर 2020, इससे पहले आपके कोर्स कोड अपडेट हो सकते हैं। अगर नहीं अपडेट होते तो आप परेशान ना हो, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर अपडेट हो जाते हैं तो आप अपनी असाइनमेंट को फौरी तौर पे अपडेट कर दीजिएगा, ताकि वो टाइम से जा सके और ट्यूटर चेक कर सकें और आपको नंबर मिल सकें। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि असाइनमेंट को तैयार करते रहे, क्योंकि अपडेट करने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगने हैं। आप फाइल को तैयार करके रखेंगे तो आप अपडेट कर सकेंगे। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसको स्कैन करके फाइल में कन्वर्ट कर लें पीडीएफ फाइल में। अगर आप टाइप करते हैं तो वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फाइल में होगी या पीडीएफ फाइल में होगी। तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर इसे अपडेट कर सकते हैं, जल्दी आपके कोर्स कोड जो है वो वहाँ पे शो हो जाएंगे, और जो शो हो चुके हैं वहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट 1 by 1 करके अपडेट करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ मिल गई हो, ये अपडेट मिल गई हो, यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ रिसेंटली शेयर की है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।